आइए रूल नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। ये नियम ये कह रहा है कि दो शब्द बिल्कुल साथ साथ होना तो उनपे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आता। दोबारा सुनो, दो शब्द बिल्कुल साथ साथ हैं, जैसे विनोद्स वाइफ्स फ्रेंड्स पेरेंट्स, गलत है। विनोद और वाइफ बिल्कुल साथ साथ हैं, तो दो शब्द जब बिल्कुल साथ हो तो उन दोनों पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता, दोनों में से किसी एक को ऑफ में बदलना पड़ेगा। जैसे कि सही हो गया द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, क्या हम समझे? दो शब्द अगर बिल्कुल साथ साथ हैं तो उन पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं करेंगे, हम दोनों में से किसी एक एपोस्ट्रॉफी को ऑफ में बदलेंगे और वो हम सेंटेंस को पढ़ के पता लगाएंगे। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन, माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, तो पहले तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए अरे ये तो गलत है, डबल एपोस्ट्रॉफी तो नहीं आ सकता, तो ठीक कैसे करेंगे? फादर ऑफ माय ब्रदर्स फ्रेंड, समझे? फादर ऑफ माय ब्रदर्स फ्रेंड। अब यहां देखो टीचर्स डॉटर्स, डबल एपोस्ट्रॉफी तो नहीं आएगा, तो कैसे कर रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीचर्स डॉटर।